फिर आपको अपना यहाँ से पैन कार्ड का नंबर डालना है, एक पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ से फिर डाल देना है। इसके बाद पूछा जाएगा आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं, अगर लिंक है तो आपको यस करेंगे। नीचे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, इस बॉक्स को एक्सेप्ट करना है एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद जैसे फ्रेंड आप यहां से नेक्स्ट करेंगे आपके यहां से वीडियो केवाईसी का प्रोसेस चालू हो जाएगा, जिनमें फिर आपके यहां से वीडियो केवाईसी को कंप्लीट की जाएगी, जिनमें आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, जिनमें डॉक्यूमेंट में आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए और एक आपको सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें करके आपके यहां से वीडियो केवाईसी चालू हो जाएगी। फिनो पेमेंट बैंक की अगर आप रिटेलर आईडी ईकेवाईसी के माध्यम से लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल में अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। उस वीडियो में आप लोगों का मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आया है कि अगर आप फिनो पेमेंट बैंक की केवाईसी के माध्यम से आईडी लेते हैं और फिर अगर आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से आईडी लेते हैं तो दोनों में क्या अंतर है और कौन सी आपको आईडी लेना चाहिए। अगर फिर आप वीडियो केवाईसी के माध्यम से फिनो को रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। फिर अगर आप फिनो पेमेंट की वीडियो केवाईसी के माध्यम से रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा अगर ई केवाईसी के माध्यम से और वीडियो केवाईसी के माध्यम से आप आईडी लेते हैं तो दोनों में क्या अंतर है, कौन सी आईडी लेनी चाहिए और किसके माध्यम से आपको आईडी नहीं लेनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो को कम्प्लीट एंड तक जरूर वॉच करिएगा। तो चलिए जानते हैं फिनो की अगर फ्रेंड आप रिटेलर आईडी वीडियो केवाईसी के माध्यम से लेना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ से फिनो मित्रा ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से फ्रेंड आपके एक ऑप्शन मिल जाता है बिकम फिनो मर्चेंट, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से बिकम फिनो मर्चेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से इसमें बताया जाएगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होना चाहिए फिनो के वीडियो केवाईसी के लिए। फिर सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा फिनो वीडियो केवाईसी यूजिंग का प्रोसेस, जिनमें सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए जो रजिस्टर्ड हो आपके आधार नंबर से। यहाँ से इसके बाद देख सकते बताया जाएगा विल टिल रूम विथ द, यहाँ से बैकग्राउंड में आपकी बैकग्राउंड लाइट ठीक होनी चाहिए और आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या है जिनमें क्या बोलते हैं शॉप प्री के लिए है, तो इनमें सर्टिफिकेट शॉप होना चाहिए, अगर ये भी एप चल जाएगा, सेल्स इनकम टैक्स है, जीएसटी है, इनमें इसमें ज़्यादा चीज़ ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, जिनमें आप जैसे इसकी आईडी ले सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ से देख सकते बताएगा बेनिफिट ऑफ यूजिंग वीडियो केवाईसी, क्या बेनिफिट है इसमें, तो इजी टू इंटेटिव प्रोसेस है और यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं फिनो मर्चेंट फैमिली को, स्टार्ट कर सकते हैं ऑपरेशन फिनो मर्चेंट का आप टाइम से। कंप्लीट कैसे होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं फिनो की वीडियो केवाईसी करनी पड़ेगी, कैप्चा करना पड़ेगा आपके फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक डिवाइस से, इसके बाद जो भी इसका चार्ज है जैसा कि 2000 रुपये चार्ज लगता है वहाँ से उसको चार्ज को पे करना पड़ेगा। और अगर फिर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं बताया जाएगा कुछ इंस्ट्रक्शन भी इसके बारे में दिया गया है, जहाँ से अगर आप इसे रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। देन यहाँ से देख सकते हैं बताया जाएगा बेनिफिट बिकम ए फिनो मर्चेंट, यानी क्या बेनिफिट है आप फिनो मर्चेंट बनते हैं तो आप अपने आउटलेट को बैंकिंग आउटलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपके नियरेस्ट लोग हैं वो आपको बैंकर्स का आपको यहाँ से दे सकते हैं, आपके आउटलेट को बैंकर्स देखेंगे, मोबाइल और यहाँ से डेस्कटॉप में आप दोनों इसे लॉग इन कर सकते हैं, प्रोवाइड करता है बैंकिंग प्रोडक्ट और सभी सर्विस को। इनमें देख सकते हैं प्री रिक्वायर्ड क्या है, फिनो की आईडी लेने के लिए आपके पास मार्पो मंत्रा यहाँ से ईवोलेट या फिर फिन मंत्रा जो भी आईडी सर्विस टोकन होना चाहिए और यहाँ से फिनो का वीडियो केवाईसी कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ से ये चीज़ होनी चाहिए। नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है इनरोल एज ए फिनो, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको एक अपना एक नंबर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डाल के आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके नंबर में एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ से डालना है एंड नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। फिर आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले अकाउंट सिलेक्शन टाइम में आपको इंडिविजुअल ही रहन देना है, फिर आपको पूछा जाएगा सेलेक्ट मर्चेंट टाइप, आप यहाँ से अगर मर्चेंट बनना चाहें तो मर्चेंट पे सेलेक्ट करेंगे, अगर फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपके यहाँ से देख सकते हैं एक ऑप्शन मिल जाता है अदर डिटेल का, जैसे अगर पॉलिटिंग आप एक्सपोज है तो आपको यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, फिर यहीं से मिल जाता है फैक्टर डिक्लेरेशन का, आपको इस पर टिक करना है, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना, आई एम टैक्स रेजिडेंस ऑफ इंडिया और नीचे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ से नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्शन मोड क्या है, आप किसी स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करना चाहे तो आप यहाँ से स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। इसका फिर यहाँ से देख सकते हैं पेमेंट का आपको पूछा जाएगा पेमेंट सिलेक्शन मेथड क्या, अगर पे करना चाहे तो आप यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करके आप सारी चीज़ें यहाँ से फिल कर सकते हैं, जिनमें आर आर एन अपना आई डी नंबर डाल सकते हैं, फिर वैलिडेट करेंगे, नाम वोम ये सारी चीज़ें दी गई हैं,
जहाँ से आपको अपना नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड फिल करके टर्म को एक्सेप्ट करके प्रोसीड करना है। और अगर फ्रेंड अभी आप पेमेंट नहीं करना चाहें तो पे लेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं बताया जाएगा फॉर्म मॉडल सिलेक्शन जो है, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी आईडी यहाँ से क्रिएट नहीं होगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड आपको अपना यहाँ से पैन कार्ड का नंबर डालना है, एक पैन कार्ड का नंबर आपको यहाँ से फिर डाल देना है। इसके बाद पूछा जाएगा आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं, अगर लिंक है तो आपको यस करेंगे। नीचे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है, इस बॉक्स को एक्सेप्ट करना है एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद जैसे फ्रेंड आप यहां से नेक्स्ट करेंगे आपके यहाँ से वीडियो KYC का प्रोसेस चालू हो जाएगा, जिनमें फिर आपके यहाँ से वीडियो KYC को कंप्लीट की जाएगी, जिनमें आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, जिनमें डॉक्यूमेंट में आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए और एक आपको सिग्नेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें करके आपके यहाँ से वीडियो KYC चालू हो जाएगी और यहाँ से अपनी वीडियो KYC से ID क्रिएट कर सकते हैं। बट फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कभी भी वीडियो KYC के माध्यम से अपनी ID क्रिएट ना करवाएं। इसका रीज़न ये है फ्रेंड कि अगर आप वीडियो KYC से ID लेते हैं तो आपको 2000 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है फ्रेंड, अगर आपको कभी भी ट्रांजेक्शन करने समय कोई दिक्कत होती है तो आपको कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा फ्रेंड, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ID ले सकते हैं। और फ्रेंड अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ID लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ से आ जाना है चैनल में सक्सेस इन टेक में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब यहाँ से कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक करिए, यहीं से आपको वीडियो मिल जाएगा फ्रेंड। आपको फिनो मित्र की यूजर ID आप खुद से कैसे बना सकते हैं तो यहाँ से आके आप देख के वीडियो अपनी ID क्रिएट कर सकते हैं। और यहीं पर आपको काफ़ी सारे नए नए अपडेट्स के वीडियो मिल जाते हैं, आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फिर आपने हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो जरूर करें। यहाँ से फ्रेंड आपको ID मात्र 700 रुपये में मिल जाएगी और 24 घंटे के अंदर आपको ID पासवर्ड मिल जाता है। तो अभी यहाँ से ID ले सकते हैं। ID लेने के लिए जो आपको स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से ID और पासवर्ड ले सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंड आपके अंदर और कोई भी डाउट हो फिनो को लेकर या फिर CSE या फिर किसी भी टॉपिक को लेकर, तो हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें वीडियो बना के आपको पूरी यहाँ से रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। ये एक नॉलेजबल टॉपिक के साथ मैं आपसे जल्द मिलूंगा फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।